नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें। एक बड़ी खबर निकल के आई है अभय चौटाला की तरफ से। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने घोषणा की है। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर ही अभय चौटाला बोले, बेरोजगारों को देंगे रोजगार, बुजुर्गों को मिलेगी 10,000 रुपये की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन में कटौती हुई। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिसे इनेलो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इनेलो को सरकार आने के बाद बुढ़ापा पेंशन को 10,000 रुपये किया जाएगा, जबकि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये किया जाएगा। यह बात इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। मंच में संचालन रामनिवास सैनी ने कहा, अभय चौटाला ने कहा, आरोप लगाते हैं कि एक संगठित गिरोह प्रदेश के संसाधनों को लूट रहा है, जिस कारणवश सरकार प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है, अगली बार बिरादरियों का सहयोग से एक बार फिर से प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार सत्ता को हटाना जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी खबर आई है कि बेरोजगारों को 21,000 रुपये कैसे देंगे, फिर तो नौकरी की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ जी, सोच लीजिए, अभी के बेहद बड़ी खबर आई थी। सम्मेलन में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला बोल रहे थे।